अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होमली कुक्स। तो आज हम होमली कुक्स किचन में आपको बनाना सिखाएंगे बेसन के अल्टे पल्टे। तो बेसन के अल्टे पल्टे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप बेसन लिया है, 10 से 12 अदरक हरी मिर्ची है मेरे पास जिनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, 1 बड़े साइज की प्याज है इसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है, 1 कप मेरे पास हरा धनिया है इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है, 1 टेबलस्पून मेरे पास कुटा हुआ धनिया है, 2 टेबलस्पून मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, 1 टेबलस्पून मेरे पास कुटा हुआ जीरा है, 1 टीस्पून मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से लिया है, 1 अदरक मैंने यहाँ पे अंडा लिया है और अल्टे पल्टों को फ्राई करने के लिए मुझे थोड़ा सा ऑयल चाहिए वो मैंने यहाँ पे लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम अल्टे पल्टों को तैयार करने के लिए उसका बैटर तैयार करते हैं बेसन का, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसकी ग्रेवी हम किस तरह से बनाएंगे। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले मैं बेसन के अंदर ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगी, नमक, कुटा हुआ जीरा, कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्चें और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, मैं इसको मिक्स करूंगी। अब मैं इसको थोड़े से पानी से घोल लूंगी जितना हमें चाहिए होगा पानी, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना हमें। तो ये बेसन देखिए मैंने घोल लिया है गाढ़ा गाढ़ा, अब मैं इसके अंदर ये अंडा भी शामिल कर दूंगी। तो ये देखिए बेसन घुल चुका है, अब मैं इसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्ची और प्याज भी ऐड कर दूंगी। तो बेसन मैंने घोल लिया है, इसके अंदर मैंने प्याज, हरी मिर्ची और हरा धनिया भी शामिल कर दिया है। ये बेसन आप देख सकते हैं थोड़ा अभी गाढ़ा गाढ़ा है क्योंकि अभी प्याज अपना पानी रिलीज करेगी। 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको रख दूंगी ताकि बेसन अच्छी तरह से सेट हो जाए, उसके बाद मैं इसको फ्राई करूंगी। तो चलिए जब तक ये सेट हो रहा है बेसन, हम इसके लिए ग्रेवी तैयार कर लेंगे। ठीक है, उल्टे पल्टों की ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने 4 अदद मीडियम साइज की प्याज ली है, इनको थोड़ा सा पानी डाल के पीस लिया है मैंने, इनका पेस्ट बना लिया है। 1 कप भर के हमें दही का चाहिए, 1 कप हमें ऑयल चाहिए, 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 15 से 20 अदद मेरे पास कड़ी पत्ते हैं, 1/2 टीस्पून मेरे पास हल्दी पाउडर है, नमक मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से लिया है, 2 टेबलस्पून मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और 1/2 टेबलस्पून मेरे पास पिसा हुआ धनिया है। तो चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं ग्रेवी को। जी, तो ग्रेवी तैयार करने के लिए अल्टे पल्टों की मैं इस प्याज के अंदर अदरक लहसुन ऐड करूंगी, कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, नमक और हल्दी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी मैं। जी, तो ये ग्रेवी के लिए मसाला तैयार हो चुका है। एक तरफ पतीली में मैं ऑयल गरम कर लूंगी। जी, तो पतीली में ऑयल मैंने डाल दिया है 1 कप और इसमें कड़ी पत्ता डाल रही हूँ, ऑयल गरम हो गया है। जब कड़ी पत्ते की खुशबू आने लगेगी उस वक्त मैं इसमें सारा मसाला ऐड कर दूंगी। जी, तो कड़ी पत्ते की खुशबू आना शुरू हो गई है और ये काफी उछल रहा था इसलिए मैंने इसको ढक दिया है। अब मैं इसमें मसाला ऐड कर रही हूँ। बाउल में भी जो मसाला लगा हुआ है थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसमें डाल रही हूँ। मैं तेज आंच पे इसको 4 से 5 मिनट तक पकाऊंगी, उसके बाद हल्की आंच करके इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हल्की आंच पे रख दूंगी और ये मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा। हमें ये मसाला काफी देर भूनना है, तकरीबन 40 से 45 मिनट्स तक, वरना इसमें कच्ची प्याज की स्मेल आएगी अगर ये अच्छे से नहीं भुनेगा तो। ये तो 4 से 5 मिनट हो गए हैं मसाले को पकते हुए, अब मैं हल्की आंच कर दूंगी इसकी, मतलब बहुत ज्यादा हल्की भी नहीं करूंगी, थोड़ी कम कर दूंगी इसकी आंच और ये अच्छी तरह से पकता रहेगा। और जब तक ये मसाला रेडी हो रहा है हम उस वक्त तक अल्टे पल्टे को फ्राई कर लेते हैं। अल्टे पल्टे तैयार करने के लिए एक पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालना हमें। अब इसमें मैं 1 से 2 चम्मच पैन के हिसाब से मैं इसमें ये बैटर डालूंगी बेसन का। आप इसको तवे पे भी बना सकते हैं, मैं पैन में बना रही हूँ। इसको इस तरह से हम फैलाएंगे। बहुत ज्यादा मोटी लेयर नहीं होनी चाहिए वरना बहुत ही मोटे मोटे बनेंगे ये अल्टे पल्टे।
ठीक है। और देखिए मैं ये नीचे से हो गया है तकरीबन, अब मैं इसको फोल्ड करूंगी। एक तरफ से फोल्ड कर दिया है मैंने, अब मैं दूसरी साइड को भी इसी तरह से फोल्ड करूंगी। इसको हम थोड़े लो फ्लेम पर ही पकाएंगे ताकि ये कच्चे ना रहें। ये देखिए कितना अच्छा से तैयार हुआ है ये। देखिए दोनों तरफ से अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लूंगी और बाकी भी सारे अल्टे पल्टे ऐसे ही तैयार करूंगी। जो ये देखिए इसी तरह से हम सारे फ्राई कर लेंगे अल्टे पल्टे। उसके बाद मैं इसकी कटिंग करूंगी जब ग्रेवी इसकी रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए सारे अल्टे पल्टे मैंने फ्राई कर लिए हैं, अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। देखिए ऊपर एक मैंने इनको रखा है इस तरह से ताकि ये इक्वल साइज में कटें। और मसाला भी मेरा भुन ही रहा है, काफी गर्म हो रहे हैं ये इस वक्त। इक्वल साइज में होते हैं तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, लुक बहुत अच्छी आती है इनकी। अल्टे पल्टे की कटिंग हो गई है, अब मैं मसाला तैयार होने का वेट करूंगी, उसके बाद ये इसमें शामिल कर दूँगी। देखिए कितने हैं ये थिक, मसाला भी देख लीजिए अभी तक भुन रहा है। ये मैं उस वक्त तक भूनूंगी जब तक इसका बिल्कुल ऑयल अलग नहीं हो जाएगा और मसाले का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल फटाफटा सा नहीं हो जाएगा। अभी इसको टाइम लगेगा तकरीबन 15-20 मिनट और चाहिए। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके फिर इसको भूनती जा रही हूँ हल्की आँच पर ही। तो अभी ये मसाला हमारा अच्छी तरह से पक चुका है, ऑयल अलग हो चुका है इसका बिल्कुल और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं इसका फ्लेम हाई कर दूंगी। तो हाई फ्लेम करके मैंने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसमें तकरीबन 3 कप पानी ऐड कर रही हूँ। अब जब ये पानी उबलने लगेगा तो फिर उस वक्त मैं इसमें दही ऐड करूंगी। जी तो ये पानी में उबाल आ चुका है, अब मैं इसमें दही शामिल कर दूंगी। तो दही मैंने इसमें ऐड कर दिया है, मैं दही को थोड़ा सा इसमें पकाऊंगी 4-5 मिनट, उसके बाद मैं इसमें अल्टे पल्टे ऐड करूंगी। तो दही डाल के मैंने 5 मिनट तक इसको पकाया है, अब मैं इसमें अल्टे पल्टे डाल रही हूँ। तो अब मैं 5-7 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पे पकाऊंगी, उसके बाद इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखूंगी। ये अल्टे पल्टे रेडी हो चुके हैं हमारे, अब मैं इसमें इसको हरे धनिया से गार्निश करके और डिश आउट कर दूंगी। ये तो तैयार है हमारे मजेदार से अल्टे पल्टे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जल्दी से बनाओ।